वंदे मातरम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बड़ा वाला उ की मात्रा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रु की मात्रा के बारे में, सिंबल ऑफ रु। ये जो सिंबल है, ये रु की मात्रा का सिंबल है। ये ABCD के सी जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये इसको हम हरेक व्यंजन के नीचे लगा सकते हैं, और साथ में हमें व्यंजन के साथ रु का प्रोनाउंसिएशन भी करना पड़ेगा। जैसे कि क के साथ रु की मात्रा लगती है तो हम बोलेंगे क्रू। ओके, सबसे पहले रु से रुचि। यहाँ पे जो सिंबल है रु की मात्रा का, उसे हमें सारे डॉट्स को ज्वाइन करना है। पहले ये स्लीपिंग लाइन और ये यहां से ऐसे कव शेप। ओके, आगे देखते हैं। क के साथ रु की मात्रा को हम लगाएंगे तो हमने क्या बोलेंगे, क्रू। क प्लस रु यानी क्रू। और ये जो मात्रा है उसको हम क के नीचे की तरफ लगाएंगे, क्रू शक। क कृषक, कृषक यानी फार्मर। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए। व के बाद है रु की मात्रा, यानी हम व के बाद जो रु की मात्रा है उसको हम व के नीचे लगाएंगे, यानी व के साथ रु की मात्रा जुड़ती है तो हम व को क्या प्रोनाउंस करेंगे, व प्लस रु यानी व्रु। क्ष वृक्ष, वृक्ष यानी ट्री। ऐसे ही आगे देखिए, यहाँ पे है म और रु की मात्रा यानी मृ। ग मृग, मृग यानी डियर। उसके आगे है न के साथ रु की मात्रा यानी नृप, नृप यानी किंग। ओके, अभी थोड़े और वर्ड्स है, उसको हमें बोलना है और लर्न करना है। देखो यहाँ पर है पढ़कर सीखो, रीड एंड लर्न। पहला वर्ड है क, नीचे कौन सा सिंबल है, रु की मात्रा यानी क्रू पा, क्रूपा। मर्सी, यह म के साथ रु की मात्रा यानी मृ। दा सॉइल, ध्रुव, ग ध्रुव यानी आइस। ध्रुव त, ध्रुव यानी घी। वृथा यानी वेस्ट। तृण, तृण यानी ग्रास। कृत्रिम, आर्टिफिशियल, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। यहाँ पे देखिए, ह के साथ रु की मात्रा यहां से जुटती है, बीच में से। ह के साथ जो रु की मात्रा है उसको हम यहाँ बीच में से लगाएंगे, यानी ह के साथ रु की मात्रा जुड़ेगी तो हम उसको बोलेंगे र, र, द, य, हार्ट। यहाँ पे देखिए, व के साथ रु की मात्रा यानी रु श भ, वृषभ यानी ऑक्स। यहाँ पे क्रू पा ण यानी स्वर्ड। अमृत यानी नेक्टर। मृदुल यानी सॉफ्ट, मृदुल। समझ में आया? वापिस एक बार सारे वर्ड्स लर्न करेंगे, आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है। क्रू पा, मृदा, ध्रुग, ध्रुत, वृथा, तृण, कृत्रिम, हृदय, वृषभ, कृपाण, अमृत, मृदुल। आगे देखिए, आगे है लिखो यानी राइट। हमें ये जो सारे डॉट्स है उसको ज्वाइन करना है और साथ में बोलते भी जाना है। चलो
सबसे पहले है क के साथ रू की मात्रा जुटती है तो बनता है क्रू। क के नीचे ऐसे सी जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है, ये क्या है? रू की मात्रा। ये क से रू की मात्रा जुटती है तो हो जाएगा क्रू, और क्रू से क्रूशी। क्रू शी। उसके बाद है ग के साथ जुटती है रू की मात्रा यानी ग्रू। ग्रू से ग्रू ह। ग्रू ह। यहाँ है स। स से रू की मात्रा साथ में जुटती है तो श्रु, और स से वर्ड बनेगा श्रु झ न, सृजन। आगे देखिए, यह है त के साथ रू की मात्रा यानी त्रु। यहाँ वर्ड बनता है मा, त्रु भू मी, मातृ भू मी। ओके, उसके पीछे है एक अच्छी सी ऋषि की स्टोरी है, आपको सुननी है ना? चलो मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ। भृगु ऋषि से भगीर भृगु। आपको भृगु ऋषि की ये स्टोरी सुननी है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। भृगु ऋषि हुए बहुत महान। जो भृगु ऋषि है वो बहुत महान ऋषि है। काम था उनका दया का दान। उसका काम क्या था? उसका काम था वो दया दान में देते थे, यानी उसके पास बहुत सारी बहुत दया थी। वो कोई भी हो उसको दया उसके ऊपर दया कर देते थे। ऋषि कृपालु बहुत दयालु। कृपालु यानी ये जो कृपालु वर्ड है वो भृगु ऋषि के लिए उल्लेख किया गया है, यानी ऋषि कृपालु। जो भृगु ऋषि है उसको कृपालु ऐसा नाम दिया है। ऋषि कृपालु बहुत दयालु, वो बहुत दयालु थे। ऋषि आश्रम रहता मृग बालू। ऋषि के आश्रम में मृग यानी हिरण, मृग रहते, मृग का एक बालू, बालू मतलब कि उसका बच्चा, छोटा सा बच्चा रहता था। दिखा शिकारी डर गया बालू। शिकारी को देखकर वो जो मृग का बच्चा था, छोटा सा मृग था, वो डर गया। भागा उधर जहां ऋषि कृपालु। वो भागकर ऋषि कृपालु के पास जाता है। भृगु का मन सब जान गया। जो ऋषि भृगु था उसका मन में उसको समझ में आ गया कि ये जो हिरण है वो भागकर उसके पास क्यों आया है। कहा शिकारी कृपा दया, और वो जो शिकारी है उसके पास जाते हैं और कहते हैं दया करो, जीव मार कर पाप न करना। ये जो हिरण है उसको आप मारोगे तो आपको पाप लगेगा, आपको पाप करना नहीं चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। घृणा न करना, रक्षा करना। किसी से भी हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसे जीव है जो बोल नहीं सकते हैं, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। मानव का यह काम बड़ा। हमारे मानव का ये सबसे बड़ा काम है। शिकारी सुनता खड़ा खड़ा। जो शिकारी है वो खड़े खड़े ये सुनता है। बात भृगु की मान गया, और ये जो ऋषि भृगु है उसकी वो बात मान जाता है। रक्षा का सच जान गया। हमें ऐसे प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा वो सच जान गया। क्या कहते हैं स्टोरी में? जो भृगु ऋषि है वो बहुत महान और बहुत दयालु थे, और उसके आश्रम में
एक छोटा सा हिरण का बच्चा रहता था, मृग रहता था। एक दिन एक शिकारी आता है और जो शिकारी है वो उसके ऊपर तीर ऐसे लगा के रखता है, तो जो हिरण का बच्चा था वो डर जाता है और ऋषि के पास भागते भागते जाता है। और ऋषि को ये पता चल जाता है कि ये मृग का बच्चा है, वो ऐसे भागकर उसके पास क्यों आया है। तो वो शिकारी के पास जाते हैं और उसे न मारने के लिए विनती करते हैं कि आपको किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए, उससे आपको पाप लगेगा। और ये बात शिकारी मान जाता है, उसकी समझ में आ जाता है कि हमें किसी भी प्राणी को मारना चाहिए नहीं। ओके, आगे हमारा है शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। यहाँ पे देखिए, शब्दार्थ सबसे पहले है महान। महान यानी अच्छे काम करने वाला, जो अच्छा काम करता है उसको क्या कहते हैं, महान। दूसरा है जीव। जीव यानी प्राणी। तीसरा है कृपालु। कृपालु यानी दया करने वाला और दयालु। यहाँ है घृणा। घृणा यानी नफरत, पाप, नीति विरुद्ध किया जाने वाला आचरण यानी अपराध, उसको हम क्या कहते हैं, पाप। शिकारी, शिकार करने वाले को क्या कहते हैं, शिकारी। रक्षा, रक्षा यानी बचाव। आगे है अभ्यास, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में पहला है श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपको ये जो सारे वर्ड है वो अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। देखो यहाँ पे भ के नीचे रु की मात्रा लगी है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, भ्रु गु। भ्रु गु। क के नीचे भी रु की मात्रा लगी है यानी कृपालु। कृपालु। म के नीचे रु की मात्रा यानी मृग। मृग। ध के नीचे रु की मात्रा यानी ध्रुणा। ध्रुणा। और ये रु शी। वापिस एक बार सारे वर्ड्स दोहराएंगे, भृगु, कृपालु, मृग, ध्रुणा और ऋषि। क्वेश्चन नंबर 2 है, उचित स्थान पर रु की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। क्या करना है, जो उचित स्थान है उस पर हमें रु की मात्रा लगानी है और शब्द को पूरा करना है। पुट द सिंबल ऑफ रू एट द करेक्ट प्लेस एंड कंप्लीट द वर्ड्स। हमें करेक्ट प्लेस पर ये जो रू की मात्रा है, सिंबल ऑफ रू, उसको लगाना है और वर्ड को कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रू का पिक्चर है और यह एग्जाम्पल है, म लिखा है और नीचे रू की मात्रा यानी वर्ड क्या हो जाएगा, म के साथ रू की मात्रा जुटती है तो मृग। ऐसे ही यहाँ पे ट्री है, वृक्ष है, तो वृक्ष ऐसा लिखा है। हमें रू की मात्रा कहाँ लगानी है, व के नीचे कि क्ष के नीचे, व के नीचे। हम लगाएंगे यहाँ रू की मात्रा यानी एबीसीडी का जो सी दिखता है ना, ऐसा सिंबल है रू की मात्रा का, यानी हो जाएगा वृक्ष। उसके बाद है कशक। कशक आएगा, कृषक आएगा। कृषक यानी ये जो खेती करने वाला होता है ना, उसको कृषक कहते हैं, जो खेती करते हैं उसको कृषक कहते हैं। देखो यहाँ पे कशक लिखा है, हमें कहाँ रेप लगा, कहाँ पे रू की मात्रा लगानी है, क के नीचे। पहला जो क है उसके नीचे हम रू की मात्रा लगाएंगे, ऐसे कृषक। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अंग्रेजी शब्द लिखो। राइट दिस वर्ड इन इंग्लिश। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे हिंदी में वर्ड दिए हैं उसका हमें इंग्लिश में स्पेलिंग लिखना है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे नृप। नृप यानी किंग, राजा, इसलिए यहाँ पे KING ऐसा स्पेलिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे दूसरा है क्रू पा। कृपा यानी दया, दया करना, उसका स्पेलिंग आएगा काइंड। काइंड यानी KIND।
डी काइंड, तीसरा है कृषक, कृषक यानी जो खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं, कृषक, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं फार्मर, एफ ए आर एम ई आर फार्मर। उसके बाद है हृदय, हृदय यानी हार्ट, एच ई ए आर टी हार्ट। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द में उत्तर लिखो। क्या करना है, एक शब्द में उत्तर लिखना है, राइट द आंसर इन वन वर्ड। पहला है ऋषि का क्या नाम था, ऋषि का क्या नाम था, भृगु। बालू घबरा कर किसकी शरण में गया, जो बालू था, बालू किसका नाम था, भृग, जो भृग था छोटा सा भृग वो किसकी शरण में गया। बालू घबरा कर किसकी शरण में गया, जो बालू छोटा सा मृग बालू है वो किसकी शरण में जाता है, ऋषि की शरण में जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भृगु ऋषि, भृगु ऋषि के शरण में वो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे भृगु ऋषि। आगे देखिए, यहाँ पे है किसको मारना पाप कहलाता है, किसको मारना पाप कहलाता है, किसी भी जीव को मारना पाप कहलाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जी व, किसी भी जीव को मारना पाप कहलाता है। ओके, आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।